हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आयरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड का जो मैच खेला जाएगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मैच नंबर 7th, और ये मैच मॉर्निंग में खेला जाएगा 9:30 पे। आपके पास टाइम बहुत कम है, वीडियो पूरा वॉच कर लेना। क्यों वॉच कर लेना? क्योंकि एक ऐसा प्लेयर है जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है और भाई वो खतरनाक पॉइंट देने वाला है। और आज के मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे बड़ा रोल होने वाला है, सबसे बड़ा रोल कैप्टन वाइस कैप्टन। तो कौन सा प्लेयर हमारी टीम का कैप्टन होगा स्मॉल लीग का, तो आप वीडियो फुल वॉच कर लेना। और ग्रैंड लीग में किसको कैप्टन बनाना वो भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा वॉच करना क्योंकि सिर्फ 10 से 15 मिनट का वीडियो है। अगर आपने अपने लिए 10 से 15 मिनट टाइम निकाल लिया तो बहुत कुछ सीख सकते हो और बहुत कुछ जैकपॉट कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, क्या कि अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन हुए तो ज्वाइन हो जाना। क्यों? क्योंकि जिस टीम से मैं खुद खेलता हूं वही टीम मैं देता हूं आप लोग को। फर्स्ट कमेंट डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करो, हमारे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आयरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच में ये मैच खेला जाएगा, और ये मैच कहां पे खेला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया पे, हॉबार्ट के ग्राउंड पे। और हाँ, इस ग्राउंड पे क्या होता है, यहाँ पे रन बनता भैया, ठीक है। जो भी टॉस जीतेगा बैटिंग का फैसला लेने का चूज करेगा, और रन यहाँ पे अच्छा खासा बनता है। पिच रिपोर्ट और आपको स्कोरिंग पैटर्न बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग पिच रिकॉर्ड जानते हैं। टोटल यहाँ पे 5 मैचेस खेला गया, बैटिंग फर्स्ट करने वाला यहाँ पे 4 बार जीता है, बैटिंग फर्स्ट करने वाला 4 बार जीता है, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगा लो। और वैसे भी आप सभी को पता है, ठीक है, कि ये मैच कहाँ पे हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया पे हो रहा है। और यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न देखोगे तो 170 से लेके 190 के बीच में ज्यादातर रन बनाए। यहाँ पे मैक्सिमम भी रन अगर आप देखोगे आयरलैंड ने 143 बनाया है और स्कॉटलैंड ने 160 रन बनाया। टॉप प्लेयर परफॉर्मेंस में जो नाम आता है पॉल स्टर्लिंग, पिछले मैच में फ्लॉप रहा था, ठीक है। आज के मैच में चलेगा नहीं चलेगा स्टैट्स पे डिस्कस करेंगे। डॉकरेल है, लिटिल है जो हमारे टीम के कैप्टन है, यही बता दे रहा हूँ कैप्टन है। फिर यहाँ पे मुंशी है, फिर मिचेल लिक्स है, और सैफियान शरीफ है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टोटल हेड टू हेड मैचेस रिकॉर्ड, जिसमें कि देखोगे तो आयरलैंड का ग्राफ सबसे ऊपर है, 7 बार जीता है आयरलैंड, और स्कॉटलैंड सिर्फ 3 बार जीता है। टोटल कितना बार मैच हुआ है? 11 बार, एक बार क्योंकि एक बार मैच टाई भी रहा है। वेदर रिपोर्ट, थोड़ी सी वेदर की बारिश की हल्का सा संभावना लग रहा है। लास्ट हेड टू हेड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे आयरलैंड ने 186 रन बनाया था 9 विकेट खोके 20 ओवर में, स्कॉटलैंड ने 185 रन बनाया था और यहाँ पे जीता कौन था? आयरलैंड। लेकिन स्कॉटलैंड का विकेट बहुत कम गिरा था, आयरलैंड का विकेट ज्यादा गिरा था। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दो, एक बात आप लोग को कोई भी नहीं बताता होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आयरलैंड ने यहाँ पे मैच जीत गया था, आयरलैंड यहाँ पे मैच जीत गया था और स्कॉटलैंड यहाँ पे मैच हार गया था। लेकिन स्कॉटलैंड का विकेट कम गिरा था और आयरलैंड का विकेट ज्यादा गिरा था। अब आप क्या कर सकते हो, ग्रैंड लीग में सोच सकते हो लोग क्या करेगा, आयरलैंड के मैक्सिमम प्लेयर मैक्सिमम बॉलर अपनी टीम में रख लेगा, सोचेगा क्योंकि आयरलैंड स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन विकेट कौन धड़का देगा? स्कॉटलैंड का जो बॉलर है विकेट ले जाएगा। लेकिन हाँ, आयरलैंड का बॉलर हमें टीम में रखना है ज्यादा, क्योंकि स्कॉटलैंड के सारे बॉलर विकेट नहीं लेता, एक ही बॉलर 3 से 4 विकेट लेके चला जाता है, उसी बॉलर को हमें सेलेक्ट करना है और कैप्टन बनाना है, ठीक है। यहां पे देखोगे आयरलैंड की तरफ से जी डैनली 25 रन बनाया था और मार्क अदिर ने 2 विकेट लिया था। और यहां पे देखो रिची बैरिस्टोन ने 76 रन का पारी खेला था, ठीक है। फिर यहां पे मैथ्यू क्रॉस 66 रन नॉट आउट रहा था। फिर हमजा ताहिर 2 विकेट, ठीक है, और सैफियान शरीफ ने 2 विकेट लिया था, क्रिस सोले ने 2 विकेट लिया था। अब हम लोग पॉसिबल 11 की बात करते हैं। तो पिछले मैच में जो पॉसिबल 11 था, मुझे लग रहा है कि सेम पॉसिबल 11 होगा, कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और एंड्रू बैबलैन, पॉल स्टर्लिंग ओपनिंग कर सकते हैं, फिर एल टकर आएंगे, हैरी टक्टर आएंगे। ये दोनों का अगर बैटिंग आ गया तो बहुत अच्छा खेलता है। तो जीएल में अगर आप ये दोनों को फ्लॉप करते हो, ये दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, ठीक है। हैरी टक्टर और एल टकर दोनों बहुत बेस्ट खेलता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं, डॉकरेल है, कैंपर है, कैंपर को बॉलिंग मिलेगा नहीं तो आप अपने टीम में मत रखना, ठीक है। जी डनली है, मार्क अदिर है, सिमी सिंह है, बैरियम सिकार्टी है, फिर यहाँ पे जे लिटल है, बेंच प्लेयर में ये सारे बेंच प्लेयर है। स्कॉटलैंड की तरफ से अगर आप देखोगे जॉर्जी मुंशी है, ठीक है, मिचेल जॉन्स है, मैथ्यू क्रॉस है, फिर आर बैरिंगटन है, कैलम
मैकलिगड है, उसके बाद बात करते हैं क्रिस क्रिप्स है, मिचेल लिक्स है, मार्क ब्याट है, जॉस डेवले है और सैफियन शरीफ है, ब्रेड विल्स है। जिसमें अगर आप देखोगे हमजा ताहिर का अच्छा रिकॉर्ड है किसके अगेंस्ट में, आयरलैंड के अगेंस्ट में, तो क्या पता मौका मिल सकता हमजा ताहिर को। ठीक है, फिर यहाँ पे चिराग ब्रांच की बात करते हैं, और क्रिस सोले का भी रिकॉर्ड अच्छा है किसके अगेंस्ट में, आयरलैंड के अगेंस्ट में, तो हो सकता है क्रिस सोल को भी मौका मिल सकता है। लेकिन अगर ये दोनों खेलता तो अपनी टीम में रख लेना, बहुत कम लोग ट्राई करेगा, आप ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग क्लीन स्वीप कर सकते हो। चलिए अब हम लोग आयरलैंड के स्टैट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ओपनिंग आएगा एंड्रू बगल। अगर आप इसका रिकॉर्ड देखोगे, आपके सामने मैं बताता हूँ रिकॉर्ड, 81 मैच खेला है, 1663 रन बनाया है, एवरेज है 23 का। ठीक है, और यहाँ पे अगर रिसेंट रिकॉर्ड देखोगे 46-1-15-9-3, तो यहाँ पे देखोगे 3 रन 9 रन 15 रन 1 रन, 4 मैच में कंटिन्यू फ्लॉप है, सिर्फ एक मैच में अच्छा खेला है। अब आप अंदाजा लगाओ क्या हमें अपनी टीम में रखना है या नहीं रखना है। तो इसलिए भैया हमने तो अपनी टीम से कर दिया आउट, आप चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि देखो कभी कभार बहुत अच्छा खेल लेता है। वैसे एंड्रू बेवलिन ओडीआई का स्पेशलिस्ट प्लेयर है, तो ओडीआई में बहुत अच्छा खेलता है। अगर आप देखोगे स्कॉटलैंड के अगेंस्ट में 6 मैच खेला, 198 रन बनाए, 33 का एवरेज है, तो नॉट बैड। टी20 में अगर देखोगे 33 का एवरेज तो बहुत बेस्ट माना जाता है। तो अगर आयरलैंड पहले बॉलिंग करता है तो फिर आप बेवलिन और पॉल स्टर्लिंग दोनों को अपनी टीम में लेके चलना, और अगर पहले बैटिंग करता है तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। ओके, क्योंकि देखो वैसे तो बैटिंग पिच है, बैट्समैन तो रन बनाएगा भैया, लेकिन बॉलर बहुत खतरनाक है किसका, आयरलैंड का भी बॉलर बहुत खतरनाक है, स्कॉटलैंड का भी बॉलर बहुत खतरनाक है, इसलिए फिलहाल मैंने ये अपनी टीम में नहीं लिया है, रिस्क लिया है इसका। ठीक है, पॉल स्टर्लिंग को आज मैंने अपनी टीम में रखा है, राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करता है, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट में एक अच्छा पारी खेल सकता है, क्योंकि 5 मैच में 248 रन बनाया और 49 का एवरेज है किसके अगेंस्ट में, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट में, तो बहुत बेस्ट रिकॉर्ड है। और हाँ भैया, अगर आप यहाँ पे देखोगे रिसेंट रिकॉर्ड तो उतना बेस्ट नहीं है, रिसेंट रिकॉर्ड आपके सामने रिसेंट रिकॉर्ड है, तो ग्रैंड लीग में आप इसको फ्लॉप कर सकते हो, स्मॉल लीग में लेके चलना, ग्रैंड लीग में फ्लॉप कर सकते हो। अब बात करते हैं एल टकर, ये भाई कंफर्म बैटिंग करेगा, और इसका मतलब अगर आप देखोगे स्कॉटलैंड के अगेंस्ट में 3 मैच में सिर्फ 23 रन बनाया है, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस देखोगे 34-14-31-27 अच्छा पारी खेला, तो हम अपने स्मॉल लीग टीम में लेके चल रहे हैं। राइट हैंड बैट्समैन है, बैटिंग थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा, और स्कॉटलैंड का कोई ना कोई एक ओपनर जल्दी आउट होने वाला है, तो एल टकर का बैटिंग करने का पूरा फुल चांस है, तो मेरे स्मॉल लीग टीम में रहेगा। हैरी टेक्टर की बात करते हैं, तो हम मेगा कॉन्टेस्ट में इसको ट्राई करेंगे, सिर्फ मेगा कॉन्टेस्ट में, स्मॉल लीग में नहीं ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर आयरलैंड पहले बैटिंग करता है तो फिर आप डिफरेंशियल तौर पर ले सकते हो, 4 बैट्समैन के साथ या 3 बैट्समैन के साथ जाना चाहते हो ले सकते हो, क्योंकि देखोगे तो स्कॉटलैंड के अगेंस्ट में एक ही मैच खेला था, 21 रन बनाया था, फिलहाल मैं अपनी टीम में ट्राई नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जेजी डॉकर के बारे में बात करते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, इसका बैटिंग देखोगे तो बहुत बार नॉट आउट रहा है, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट में 4 मैच खेला, सिर्फ 29 रन बनाया, उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि स्कॉटलैंड का बॉलर भी बहुत तगड़ा वाला बॉलर है। आपको मैंने दिखाया था कि आयरलैंड में जीत गया था, लेकिन आयरलैंड का 9 विकेट गिरा था। ठीक है, तो मेरी टीम में तो नहीं रहेगा। कैंपर की बात करते हैं, तो ये अभी फिलहाल बॉलिंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए अगर ये बॉलिंग करता है, पिछले मैच में मैंने देखा था कि अगर ये बॉलिंग करता है तो फिर डिफेंसल तौर पे हमारी टीम में होगा स्मॉल लीग में, क्योंकि भाई बैटिंग बहुत खतरनाक कर लेता है। राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं, या तो आप डॉगरेल के साथ जा सकते हो, कैंपर के साथ जा सकते हो, दोनों में से किसी एक को अपनी टीम में रख सकते हो, लेकिन दोनों में से किसी एक को जरूर रखना अपनी टीम में, ये आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, वहां आपको फाइनल बता दूंगा कि दोनों में से किसे अपनी टीम में रखना। अब बात करते हैं जी डैनली, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं, 24 रन, यहाँ पे विकेट लेके नहीं गया था, यहाँ पे 1 विकेट, यहाँ पे 3 विकेट। ठीक है, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट में 2 मैच खेला है, 2 विकेट लिया है, तो भाई आयरलैंड का मैं 5 बॉलर अपनी टीम में रखने वाला हूँ। अगर आयरलैंड पहले बॉलिंग करता है तो जे लिटिल को मैंने कैप्टन बनाया, मैं आपको पहले ही बता दिया। मार्क अदिर के बारे में बात करते हैं, तो डिफेंसल तौर पर अगर आप 4 मेंबर खेलते हो तो मार्क अदिर को कैप्टन, जे लिटिल को वाइस कैप्टन ऐसे कर सकते हो, क्योंकि मेरा कैप्टन जे लिटिल है, वाइस कैप्टन मार्क अदिर है। 53 मैच खेला है, 396 रन बनाया है और 76 विकेट लिया है। स्कॉटलैंड के अगेंस्ट में 2 मैच खेला है, 2 विकेट लिया है, अच्छा रिकॉर्ड है, और यहाँ पे लास्ट मैच भी इसने 2 विकेट, 3 विकेट, 1-1 विकेट लेके जा रहा है, प्लेयर बहुत अच्छा है इसका।
बैटिंग से भी पॉइंट देके जाएगा, साथ में बॉलिंग से भी पॉइंट देके जाएगा। सिमी सिंह के बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट में दो विकेट लिया था, चार मैच खेला स्कॉटलैंड के अगेंस्ट में और दो विकेट लिया, उतना अच्छा परफॉर्मेंस है नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, सिमी सिंह का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत हाई है, अब इसके इसको ड्रॉप करके आप स्कॉटलैंड का बॉलर ले सकते हो, क्योंकि स्कॉटलैंड का बॉलर भी विकेट लेके जाएगा, कन्फर्म विकेट लेके जाएगा, तो इसकी जगह आप ले सकते हो अपनी टीम में। ठीक है, एक आपको ऑप्शन बता दो, सब लोग सिमी सिंह को ले रहा, आप चाहो तो इसको ड्रॉप कर देना। फाइनल में आपको बताऊंगा, मैं तो ड्रॉप कर दूंगा इसको। और भाई आप हमें हमारे YouTube सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं बैटिंग में, कार्टिक इसका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है, और स्कॉटलैंड के अगेंस्ट में खेला नहीं है, लेकिन अभी रिसेंट रिकॉर्ड बहुत बेटर है, इसलिए मैंने अपनी टीम में रखा। 29 मैच में 25 विकेट लेके गया, राइट आर्म ऑफ बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले दत्त में बॉलिंग करता है, दत्त बॉलर विकेट लेता है कन्फर्म, 19वां ओवर बॉलिंग करेगा या 20वां ओवर बॉलिंग करेगा विकेट लेके जाएगा। जे लिटिल के बारे में डिस्कस करते हैं, ये पावर प्ले दत्त में दोनों बॉलिंग करता है, पावर प्ले में ये ज्यादा विकेट लेके जाते हैं, इसका रिकॉर्ड है, ये स्टार्टिंग में विकेट ज्यादा लेके जाते हैं, 48 मैच में 60 विकेट लिया है। यहाँ पे देखोगे 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 5 विकेट 2 विकेट, मेरे टीम का कैप्टन है ये, ठीक है, मैंने अपने स्मॉल लीग टीम का कैप्टन बनाया है। लास्ट मैच विकेट ले रहा था स्कॉटलैंड के अगेंस्ट में, पर इस पे मत जाओ, ये विकेट लेके जाएगा, ठीक है, बहुत विकेट टेकर बॉलर है। आयरलैंड का अगर आप बेंच प्लेयर में देखोगे तो बेंच प्लेयर मुझे नहीं लग रहा कि इनमें से कोई खेलेगा, रिकॉर्ड मैंने आपके सामने रख दिया है, आप देख लो, आपके सामने रिकॉर्ड है, कुछ इस प्रकार का रिकॉर्ड है। अगर थोड़ा सा देखते हैं तो फिनहैंड ये ठीक ठाक है, 2 मैच में 36 रन बनाए, 2 विकेट लिया है, ये अगर खेलता है तो आप इसके साथ जा सकते हो स्मॉल लीग में भी, ग्रैंड लीग में भी। अब हम लोग बात करते हैं स्कॉटलैंड के प्लेयर के बारे में, तो सबसे पहले नाम आता है जॉर्जी मुंस, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं, 66 रन 13 रन 19 रन 28 रन 17 रन, मैंने अपने टीम से इसको आउट कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। फिलहाल लास्ट मैच अच्छा खेला था, लेकिन आयरलैंड का जो बॉलर है जे लिटिल और मार्क एडिर दोनों पावर प्ले में बॉलिंग करता है और विकेट लेके जाएगा भाई, क्योंकि जे लिटिल तो विकेट लेता ही लेता है पावर प्ले में, ठीक है, तो वो विकेट लेके जाएगा। अब बात करते हैं मिचेल जॉन्स, राइट हैंड बैट्समैन है, लास्ट मैच ये भी ठीक ठाक खेला था, लेकिन इसका रिकॉर्ड बहुत ही बेस्ट है, आप चाहो तो इनके साथ जा सकते हो, इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी थोड़ा आपको अच्छा खासा मिलेगा, और ये प्लेयर भी अच्छा है, ठीक ठाक खेल लेता है, देखो यहाँ पे 20 11 96 50 97 24 87, लेकिन मैंने अपने टीम में नहीं लिया, ठीक है। मैथ्यू क्रॉस के बारे में बात करते हैं, राइट हैंड बैट्समैन है, 3 27 0 85 40 यहाँ पे, और इस आयरलैंड के अगेंस्ट में 8 मैच खेला, 248 39 का एवरेज है, तो अच्छा रिकॉर्ड है, आप इसके साथ जा सकते हो। आर बैरिंगटन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ये आपने देखा होगा आयरलैंड के अगेंस्ट में बहुत खतरनाक पारी खेला था, 76 रन का नॉट आउट राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मिड फास्ट बॉलिंग करते हैं, 77 मैच में इसने 28 विकेट भी लिया है, ठीक है, आप बैरिंगटन के साथ जा सकते हो। लेकिन स्कॉटलैंड का मैंने सिर्फ 4 ही प्लेयर रखा है, वो कौन कौन रखा है आपको बताता हूँ, मैंने फिलहाल नहीं लिया अपने टीम में, ठीक है। मैकलॉट के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट हैंड बैट्समैन है, और यहाँ पे देखोगे तो ये 23 13 133 77 117 यहाँ पे बहुत बेस्ट पारी खेला है, इनके साथ जा सकते हो ये स्मॉल टीम में। फिर बात करते हैं ग्रिप्स, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं और आयरलैंड के अगेंस्ट में खेला नहीं है, उतना खास रिकॉर्ड है नहीं। मिचेल लक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इसका रिकॉर्ड बहुत बेस्ट है, आयरलैंड के अगेंस्ट में 6 मैच खेला, 30 रन बनाया लेकिन 4 विकेट लिया है, 40 मैच में 28 विकेट लिया है, ठीक है, आप इसके साथ जा सकते हो स्मॉल लीग में, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देके जाएगा। फिर बात करते हैं मार्क वॉट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, 6 मैच में 7 विकेट लिया है और 1 विकेट तो कन्फर्म लेगा, तो आप इसके साथ जा सकते हो, 50 मैच में 58 विकेट लिया है, और रिसेंट अगर 3 मैचों का देखोगे तो 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट। अब यहाँ पे बात करते हैं जॉर्ज डेनली राइट आर्म मिड फास्ट बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले दत्त में बॉलिंग करके जाता है, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, यहाँ पे 2 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, और आयरलैंड के अगेंस्ट में 3 विकेट लिया है, 3 मैच में 3 विकेट लिया है, तो 1 विकेट इसका भी आप मान सकते हो, 1 विकेट लेके जाए कहीं, क्योंकि दत्त में बॉलिंग करता है, दत्त में विकेट गिरता ही गिरता है। अब बात करते हैं सैफियान शरीफ, राइट आर्म मिड फास्ट बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले दत्त में बॉलिंग करते हैं, और आयरलैंड के अगेंस्ट में इसका रिकॉर्ड थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, 8 मैच में 10 विकेट लेके गया है, तो स्मॉल लीग टीम में हम इसको लेके चल रहे हैं अपने टीम में, ठीक है, 54 मैच में 62 विकेट लेके गया है। ब्रेड विल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट आर्म मिड फास्ट बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले दत्त में बॉलिंग करेगा, 15 मैच में 15 विकेट लिया है, ठीक है, अभी रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा
अगर खतरनाक वाला है, 2 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, तो आप क्या कर सकते हो, आयरलैंड का 4 ही प्लेयर आपको अपनी टीम में लेके जाना है, तो बॉलर को ज्यादा भरना है अपनी टीम में, बॉलर ज्यादा रखना है, ठीक है। हमजा ताहिर अगर खेलता है तो अच्छा रिकॉर्ड है और मौका है खेलने का, क्योंकि आयरलैंड के अगेंस्ट में हमजा ताहिर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, 2 विकेट लेके गया था, जो हेड टू हेड परफॉर्मेंस आपको दिखा था, 15 मैच में 23 विकेट ले चुका है, अच्छा रिकॉर्ड है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, हर मैच में विकेट लेके गया। फिर बात करते हैं सी वैलियंस, अगर आप देखोगे 20 मैच में 173 रन बनाया है, क्रिस सॉले 8 मैच में 5 विकेट लेके गया, ठीक है। हमजा ताहिर अच्छा होगा अगर खेलता, तो इनको अपनी टीम में स्मॉल लीग में ले लेना, क्योंकि इनको इनके बारे में ज़्यादातर नॉलेज नहीं होगा पब्लिक को, और सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम होगा, आप क्लीन स्वीप कर सकते हो अगर इनको अपनी टीम में रखोगे। अब हम लोग बात करते हैं प्लेयर बैटल। प्लेयर बैटल खास करके ग्रैंड लीग के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, अगर आप इनको जानते हो, गहराई से समझोगे, ठीक है। जियोजी मोन्से अगर देखोगे, उसको डॉक्टरेल ने आउट किया 3 बार और रन भी बहुत कम दिया, 15 बॉल पर 23 रन दिया, ठीक है। आर बैरिंगटन के बारे में डिस्कस करोगे तो डॉक्टरेल ने आउट किया 2 बार, 28 बॉल पर 34 रन दिया है। पॉल स्टर्लिंग जो ओपनिंग करता है, उसको मिचेल लेक्सन ने आउट किया है 2 बार, और एंड्रू बाबलाइन को मार्क वॉट ने आउट किया है 1 बार। चलिए अब हम लोग फंटेसी टीम क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप देखोगे मैंने टीम बनाया है, 4 ही प्लेयर रखा है मैंने स्कॉटलैंड का, जे मोन्से, ठीक है, सी मैकलेट, हाँ यहाँ बात करते हैं मार्कलिक और व्याट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एल टकर को मैं अपनी टीम में इसलिए लिया हूँ क्योंकि 1 डाउन बैटिंग करेगा और बैटिंग आने का फुल चांस है, बहुत अच्छा बेस्ट खेलता है। पॉल स्टर्लिंग लिया हूँ अपनी टीम में, ठीक है। बाबलाइन को ड्रॉप इसलिए किया है क्योंकि मैं 5 बॉलर के साथ गया हूँ। देखो अगर कैंपर को बॉलिंग मिलता है तो आप सिमी सिंह को ड्रॉप करके ले सकते हो, या तो आप स्कॉटलैंड का 5 भी प्लेयर अपनी टीम में रख सकते हो, क्योंकि सिमी सिंह का उतना अच्छा रिकॉर्ड है नहीं। मैंने इस हेड टू हेड टीम बनाया है, उसमें मैंने हाई सिलेक्शन प्लेयर को रखा है क्योंकि थोड़ा सा बैटिंग आने का चांस है, बॉलिंग भी कर लेते हैं, 1 विकेट ले गया तो भाई आपका आप वैसे लॉस हो जाओगे, इसलिए मैंने सेफ टीम बनाया हेड टू हेड में। लेकिन यहाँ पे आप रिस्क ले लेना, आप यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेना, हम जाता ही खेलता तो जरूर ले लेना अपनी टीम में, वरना आप कैंपर या डॉकरेल के साथ जा सकते हो, दोनों में से कोई एक प्लेयर ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि जॉर्जे डॉकरेल का अच्छा रिकॉर्ड है, आप सिमी सिंह के जगह ले सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे कैप्टन मैंने बनाया है जेलिट और मार्क अदीर को वाइस कप्तान, क्योंकि दोनों पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं और विकेट लेके जाता है, ठीक है, और या तो डेथ में तो विकेट लेगा लेगा, इसलिए मैंने ये दोनों को कैप्टन बनाया है। एक रिस्क लिया हूँ मैं कार्टी पे, इसका सिलेक्शन पर थोड़ा कम है, मैंने इसको अपनी टीम में लिया है। लेकिन देखो आपको बताता हूँ, ये जो मैंने टीम बनाया है, पहले अगर आयरलैंड बॉलिंग करता है तो कुछ इस प्रकार का टीम होगा, अगर पहले बैटिंग करता है तो इसमें कुछ चेंजेस हो जाएगा। वो क्या होगा, स्कॉटलैंड का जो प्लेयर है एक बॉलर में यहाँ पे रख लूंगा इसके जगह, इसलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, फर्स्ट कमेंट डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जिस टीम से मैं खुद प्ले करूंगा वो टीम दूंगा आपको टेलीग्राम पे। और हाँ, वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में आपको एक एक प्लेयर के बारे में डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ कि कौन सा प्लेयर को आप ड्रॉप करके किस प्लेयर को अपनी टीम में रख सकते हो, रिस्की प्लेयर कौन सा होगा, तो इसलिए वीडियो बहुत जरूरी है, वीडियो देखना। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।